हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, आज क्लास नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो हम पढ़ करके आए थे, कल हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था एमएस वर्ड में, और मैंने आपको एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तो लेक्चर नंबर 2 में क्या सीखेंगे हम, वर्किंग विद एमएस वर्ड, मतलब एमएस वर्ड में हम काम कैसे करते हैं। तो वर्किंग विद एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड वी क्रिएट डॉक्यूमेंट बाय टाइपिंग टेक्स्ट। एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट टाइप करके। तो ये देखिए, अपने पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इसका नाम है डॉक्यूमेंट 5। क्या नाम है? डॉक्यूमेंट 5। ये जो ब्लिंक कर रहा है, इसे कर्सर बोलते हैं, और आप इस कर्सर की जगह में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड पे जाइए और कीबोर्ड पे जो आप लिखते जाएंगे वो देखिए यहाँ पे टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कीबोर्ड पे आप जाएंगे, इसको आप टाइप करते जाएंगे। ये मैंने जूम कर दिया, देखिए आप इधर से भी जूम कर सकते हैं, आप इधर से भी जूम कर सकते हैं। तो ये मैंने जूम कर दिया जिससे कि और थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ओके, When the text reaches the end of a line, the cursor automatically moves to the second line. जैसे ही ये जो टेक्स्ट है, ये देखिए एंड लाइन पे पहुंचेगा, आप इस पर प्रेस करते जाइए। ये देखिए, ये आप प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही ये एंड लाइन पे पहुंचता है, ये अपने आप जो है देखिए नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। समझ गया ना, आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही पहुंच जाएगा। When the text reaches the end of a line, the cursor automatically moves to the second line. While typing text, we use a space bar. तो जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं, हम इंटर का यूज़ करते हैं। तो आपके पास में एक स्पेस बार है, आपके पास में इंटर है, आपके पास में डिलीट है, और आपके पास में क्या है, बैक स्पेस। आप इन कीज़ को फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इन कीज़ का उपयोग करके। इंटर अगर आप यूज़ करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। देखिए, आपने कुछ भी टाइप किया, ये आपने इंटर दबा दिया तो नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर इंटर दबाया तो नेक्स्ट पैराग्राफ। आप स्पेस करते हैं तो आपका ये स्पेस, तो जानते होंगे ना, जगह छूटती जाएगी, है ना, टूल स्पेस, तो जगह छूट, टू स्पेस तो जगह छूट रही है। टू स्पेस मतलब दो बार के, दो कैरेक्टर की जगह आपके पास छूटती जाएगी। ओके, देन बैक स्पेस क्या होता है भाई साहब? देखिए, बैक स्पेस जो होता है वो डिलीट करने के लिए होता है। ये देखिए, आप जो लिखा उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये बटन्स आपके पास हुआ करते हैं बैक स्पेस पे। ओके, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, आइए देखते हैं एक न्यू फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए अभी आपने देखा था तरीका क्या होता है न्यू फाइल को क्रिएट करने का। आप कहाँ पे गए थे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, और ऑफिस पे जाके आपने वर्ड सेलेक्ट कर लिया था। क्या सिलेक्ट कर लिया था? वर्ड। और वर्ड को सिलेक्ट करते ही आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया था, ठीक है ना। तो ये है, तो क्या करना है, टू क्रिएट अ न्यू फाइल। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब नई फाइल हमको लानी है, तो यहाँ से हम नई फाइल कैसे लेंगे? स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब। ऑप्शन 2 है, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट्स। ओके, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, नाउ यू विल टाइप अ टेक्स्ट ऑन इट। चलिए, तो 5 स्टेप में है, मैं आपको इस स्टेप बाय स्टेप में आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आप इसमें ये कैसे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पुराना विंडोज 10 है, ये क्या है, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट 10 है, सॉरी। ये तो माइक्रोसॉफ्ट 10 में ऐसी विंडोज आती थी, मगर माइक्रोसॉफ्ट मेरे पास 19 चल रहा है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 19 में इस तरीके की विंडो नहीं आती है। अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट में डॉक्यूमेंट ओपन करके देख लिया है, देखा ना आपने ओपन करके। तो बट एक चीज है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे गए क्या कहा, फाइल ऑप्शन में जाकर के, फाइल ऑप्शन में कहां पर जाइए, न्यू पे जाइए, कहां पर जाइए, न्यू पे। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? मतलब इतने टाइप के आपके पास में तरीके हैं, आपको कौन सा लेना है। तो मैं न्यू पे जाता हूँ, ये मैं देखिए न्यू पे आ चुका हूँ, और न्यू पे मेरे सामने ये भी टेम्पलेट आ चुके हैं कि आपको कौन सी वाली टाइप की ओपन करनी है। तो आप जाइए किस पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप जैसे करेंगे आपकी नई फाइल खुल गई, खुल गई ना। अब देखिए, एक तो आपकी पुरानी फाइल थी उसको आप क्लोज कर दीजिए, ये पुरानी फाइल है जिस पे आप काम कर रहे थे, आप इसे क्लोज कर दीजिए। आपसे पूछेगा क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे सेव नहीं करना। अब ये नई फाइल मेरे पास खुल गई है, इस पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, और जो मैं टाइप कर रहा हूँ इसको मैं क्या बोलता हूँ, टेक्स्ट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी, तो मैं इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपन ने सीख लिया कि फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे इसमें क्रिएट रिएट कुछ नहीं होता, सीधे फाइल ओपन हो जाती है। अब जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे, आपके पास में ये जो है एक वर्क एरिया आपके पास आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। आई लव माई स्ट्रॉबेरी जैसा कुछ लिखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ओ कंट्री,
आई लव माई कंट्री लिखा हुआ है इसके ऊपर, ओके। सो ये तो अपन भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इसको टाइप कर लें, ओके। यस आई एल ओ वी ई, ओके। सो आई लव माई कंट्री की जगह मैं क्या लिख दूँ, कंट्री लिख देता हूँ, सी ओ यू एन टी आर वाई। तो ये मैंने आई लव माई कंट्री यहाँ पे लिख दिया है, जैसे उसमें लिखा हुआ था स्पेस वर्क स्पेस पे, इसे वर्क स्पेस कहते हैं। अब अगर आपको मेहनत नहीं करनी, मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन लिख लिया है, आपको दूसरा एप्लीकेशन जाना है, तो आप फिर से यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, और फाइल पे जाके न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाके कुछ इतना लेंगे। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे एक नई फाइल खोलनी है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल की दबाइए और एन दबा दीजिए। तो ये देखिए अपने आप नया डॉक्यूमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट टू, क्या गया, डॉक्यूमेंट टू। अब आप इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप इसको सेव कर लीजिए या तो, और अगर आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए तो एक बार फिर से कंट्रोल एन दबाइए, यस कंट्रोल दबाइए और एन दबाइए, बस 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 इतना ही दबाइए। देखिए आपने काफ़ी बार दबा दिया, आपने एक बार बस दबा के उठा लेना है, ये बस आपने इतने बार दबाया, काफ़ी देर तक दबाए रहे, तो वो देखिए कितने सारे फाइल खुल गई हैं। देखिए डॉक्यूमेंट 8, 11, ओ माई गॉड 11 डिलीट करो भाई, डॉक्यूमेंट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ओके। भाई हमें इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए थे, आप अगर दबाए रहेंगे कंट्रोल एन तो वो डॉक्यूमेंट बहुत सारे खुलते ही जाएंगे, समझ गए ना। तो इसलिए जल्दी से दबा के हाथ हटा लेना चाहिए। चलिए तो ये हो गया कंट्रोल डॉक्यूमेंट, टाइपिंग द टेक्स्ट। अब भाई टाइपिंग द कंट्रोल एन आपने सीख लिया, ओके। टाइपिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप कैसे करते हैं, टेक्स्ट टाइप करने के लिए क्या है भाई, सीधे कर्सर की जगह लिखना शुरू कर दो, कीप ऑन टाइपिंग द टेक्स्ट, यू विल फाइंड दैट कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे ही आप लिखते हैं आप देखेंगे कि कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होता जाता है, तो ये तो हमें पता है, देखिए कर्सर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो रहा है, ओके। देन क्या है भाई साहब, प्लीज प्रेस एंटर की टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, बिल्कुल सही। अभी अपन ने बताया ना कि नई लाइन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटर की। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं कहीं पर, सपोज आपने लिख लिया आपको नई लाइन चाहिए है, ये नया, तो आपने क्या दबा दिया, एंटर। इसको पैराग्राफ चेंज भी बोल सकते हैं कुछ लोग, ओके। आइए बात करते हैं सेविंग आवर डॉक्यूमेंट। आपने मान लीजिए कुछ लिख लिया, जैसे मान लीजिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिख लिया है, ओके आपने डॉक्यूमेंट्स लिख लिया है, तो इसको जो है आप सेव करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं, सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन पे जाइए। फाइल ऑप्शन पे जा करके दो चीज़ें हैं, एक है सेव और एक है सेव एज, एक है सेव और एक है सेव एज, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेव का मतलब क्या होता है कि ये जो फाइल आपकी जो जिस पे आप काम कर रहे हो, ओके, जिस पे आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये ऑलरेडी जहाँ पर सेव थी, मतलब जिस अलमारी में पहले रखी थी, ये उसी अलमारी में सेव हो जाएगी, ये उसी अलमारी में सेव हो जाएगी। अलमारी को कंप्यूटर में बोलते हैं स्टोरेज ड्राइव, क्या बोलते हैं, बट यदि आपको इसको किसी दूसरे जगह पर सेव करना है, किसी दूसरे नाम से सेव करना है, आपको नाम भी बदलना है, आपको इसकी जगह भी बदलनी है, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेव एज। तो दो चीज़ें होती है, एक होती है सेव और एक होता है सेव एज। अगर आपने सेव दबा दिया तो देखिए आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा, ओके, ये आपने इस पर सेव दबाया है तो आपसे ये जगह पूछ रहा है, ओके, ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जगह पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक सेव होती है और एक क्या होती है, सेव एज। चलिए अपन वापस आ जाएं, तो सेव यहाँ से भी होता है, देखिए ऊपर जो बना होता है इससे भी आप सेव कर सकते हैं। ये देखिए तो आ गया है कि आपकी फाइल जो है कहाँ पर सेव हो रही, तो आपकी फाइल कहाँ पर सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट पे, कहाँ पे हो रही है, डॉक्यूमेंट पे। बट मुझे डॉक्यूमेंट पे सेव नहीं करना, मेरी फाइल मुझे कहाँ पर सेव करनी है, डेस्कटॉप पे, किस पे, तो मैंने डेस्कटॉप दबा दिया और यहाँ पे मैंने सेव दबा दिया। अब मेरी जो फाइल है, आप देखिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल आ गई होगी, चलो भाई डेस्कटॉप पे, ये देखिए कहीं पर डेस्कटॉप पे है क्या, हाँ ये देखिए ये फाइल है मेरी जो मैंने सेव करी है, ओके। ये देखिए फाइल का नाम भी कितना खतरनाक सा है, ये फाइल मेरी सेव हो गई है, समझ में आके नहीं आया, आ गया ना। चलिए तो वापस चलते हैं हमारी फाइल पर, हम अपनी फाइल पर आ चुके हैं, ये देखिए फाइल का नाम जो है बहुत बड़ा है, ऐसा जी सा इतना बड़ा नाम है कि ऊपर सो तक नहीं हो रहा है ना जी। चलिए ये देखिए फाइल का नाम ऐसा है, तो अब जो है ये फाइल तो ठीक है सेव हो चुकी है, अब अगर आपने इसमें कुछ और ऐड किया, ये देखिए आप कुछ और ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप सेव दबा देंगे ना, ये देखिए यहाँ पे आपने सेव दबा दिया, तो ये भी क्या हो गया, स्टोर हो गया, क्या हो गया, ये मतलब पुराना जो लिखा था उसमें ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्लियर है। अब चलिए करते हैं सेव एज, क्या करते हैं, मान लीजिए आपको इस फाइल का नाम चेंज करना है,
क्या करना है, इस फाइल का नाम चेंज करना, और आपको जगह भी चेंज करनी है। क्या करनी है, जगह भी चेंज करनी है। तो आप सेव एज करिए, ठीक है ना। तो अगर आप सेव एज करेंगे तो फाइल का नाम चेंज हो जाएगा और फाइल की जगह भी चेंज हो जाएगी। देखिए फाइल का नाम मैं चेंज करता हूँ, जैसे पुराना नाम ये था, इतना गंदा सा, इतना बड़ा सा, मान लो नया नाम मैं सेव कर रहा हूँ, ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन एप्लीकेशन। तो अब आपकी जो फाइल है उसका नाम बदल गया है। देखिए फाइल का नाम क्या चुका है, एप्लीकेशन क्या चुका है। ऊपर देखिए फाइल का नाम क्या दिख रहा है, और आप डेस्कटॉप में भी जाके देख लीजिए, फाइल का नाम एप्लीकेशन होना चाहिए था भाई, कहाँ पर हो गया, चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके भाई, देखते हैं जरा सा फाइल अपनी कहाँ पर सेव है, एप्लीकेशन नाम की फाइल कहाँ पर सेव है देख लेते हैं अभी। सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव की है मैंने फाइल एप्लीकेशन के नाम से, तो होनी तो चाहिए डेस्कटॉप पे सेव, बट डेस्कटॉप पे मुझे कोई फाइल दिख नहीं रही एप्लीकेशन नाम की, भाई क्यों नहीं दिख रही है। कुछ इसको क्लोज करके देखते हैं, पहले इसको बंद कर दीजिए, डोंट सेव, और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ये तो सेव हो चुकी है। चलिए रिफ्रेश करता हूँ, शायद नाम चेंज हो जाए। आई डोंट नो नाम क्यों नहीं चेंज हो रहा है इसका, जबकि मैंने फाइल तो यही बनाई है। चलिए खुलेगी तो पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन है कि नहीं है। ओके यस, तो ये जो फाइल है ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें, इस फाइल का नाम चेंज नहीं हो पाया है। अब मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इसका नाम चेंज करने का। ओके तो भाई इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, इस फाइल का नाम, फाइल का नाम मुझे चेंज करना है। ओके ये इस फाइल का नाम देखिए कितना बड़ा सा नाम दे रहा है। ओके मैं इस फाइल का नाम डेस्कटॉप में फिर से मैं गया हूँ, और यहाँ पे मैंने नाम इस डिलीट कर दिया इसका, और इसका नाम मैंने दे दिया ए डबल पी। अब शायद जो है इसका नाम चेंज हो गया है। ओके फाइल नेम हो गया है, और अब मैं इसे सेव करता हूँ। यस ए डबल पी के नाम से तो आ चुका है। ओके ये फाइल अलग बन गई है मेरी, देखिए आप ध्यान से, ये मेरी बन गई है ए डबल पी, बन गई ना। तो आप कुल मिला के आप इसको सेव कर सकते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट पे वापस आते हैं, देखिए क्या करना पड़ता है। स्टेप वन, क्लिक ऑन द फाइल टैब। तो क्या करेंगे आप, फाइल टैब पे जाएंगे, ये देखिए फाइल पे गए, गए ना। फाइल पे जाने के बाद आपके पास क्या दबाना है, या तो सेव या तो सेव एज, या तो सेव या तो सेव एज। ओके ओके, या तो आपको सेव दबाना है या सेव एज दबाना है। तो स्टेप टू क्या है, सिलेक्ट सेव और सेव एज। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द सेव आइकॉन टू क्विक एक्सेस टूल बार। आप सेव पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो चाहो तो, ये देखो ये है, ये आप इधर पे सेव कर सकते हो। जैसे मान लो आप बहुत सारा काम कर रहे हो और आपको बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है, ये देखिए, और आपको डायरेक्टली कहीं लाइट गोल ना हो जाए। ओके नहीं तो मेरा पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आप बीच बीच में इसमें सेव करते जाइए, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है अपने आप सेव हो जाएगा, और अगर पावर कट भी हो गया, लाइट भी गोल हो गई, तो आपका डॉक्यूमेंट कहीं जाएगा नहीं। ओके जैसे देखिए आपका डॉक्यूमेंट क्या लिखा, जे एच आई जी एफ। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ये मैंने इसको सेव कर दिया है, ये मैंने सेव कर दिया है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं वापस ओपन करता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट वहीं तक आया है, जे एच आई जी एफ, अभी पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, ये देखिए जे एच आई जी एफ, इतना ही था ना, मतलब ये डॉक्यूमेंट हमारा ख़राब नहीं हुआ। यस तो आप बोलते हैं इसको सेव या सेव। स्टेप नंबर थ्री, गिव योर फाइल नेम एंड फाइल नेम बॉक्स। गिव योर फाइल अ नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। अभी आपने देखा था मैंने इसका नाम क्या रखा था, ऐप रखा था, क्या रखा था, ऐप। तो ये मेरे फाइल का नाम, आपको जो मन हो आप अपने फाइल का नाम रख दीजिएगा। ओके अगर आपने लीव एप्लीकेशन लिखी है तो अपने फाइल का नाम लीव एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, जो आपको रखना हो आप अपने फाइल का नाम रख दीजिएगा। और लास्ट है क्लिक ऑन द सेव बटन, क्लिक ऑन द सेव बटन, और सेव बटन पे आप फाइनली क्लिक कर दीजिए और आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ, जिससे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी लिख रहे हैं, ये जैसे आपने कुछ भी लिखा है, आप दबाइए कंट्रोल एस, कंट्रोल, तो कंट्रोल एस से डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो चलिए एक बार कंट्रोल एस दबा के देखिए, ये देखिए लिख दिया आप, कंट्रोल एस दबाइए, कंट्रोल के बाद एस, कंट्रोल के बाद हाँ जी एस दबाइए, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं दबाएंगे, देखिए आपका एस टाइप हो गया, कंट्रोल दबाए रहिए, हाँ अब देखिए अब आपका एस टाइप नहीं हुआ, पिछले बार आपका एस टाइप हो गया था ना, मतलब आपका कंट्रोल एस तब नहीं दबा था, बट अब आपका एस टाइप नहीं हुआ, मतलब कंट्रोल एस दब गया है। ओके और अब अगर आप इस फाइल को बंद भी कर देंगे, दोबारा ओपेंगे तो आपको, ओपन करेंगे तो आपको यहीं पर दिखाई देगा, क्योंकि आपकी फाइल अब सेव हो चुकी है, क्या हो चुकी है, आपने एक बार कंट्रोल एस दबा दिया। आप देखना चाहेंगे क्या,
हाँ चलिए देखते हैं। तो कंट्रोल एस दबा के तो आप पहले ही सेव कर चुके हैं, ये मैंने फाइल को बंद कर दिया है। अब दोबारा देखते हैं कि आपका वहीं तक आता है कि नहीं आता है। एस लिखा था आपने लास्ट में, ये देखिए है ना वहीं तक, मतलब आपका डेटा सेव हो चुका था। क्या हो चुका था? चलिए अब बात करते हैं ओपनिंग अ सेव्ड डॉक्यूमेंट। अभी तक तो था कि एक डॉक्यूमेंट को सेव करना, क्या था? डॉक्यूमेंट को सेव करना। अब जिस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर चुके हैं उसको आप ओपन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ओपन करना चाहते हैं। भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट, आदमी अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाता है, चलो इसको अपन ने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब आप डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहते हैं? ओपन करना चाहते हैं। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो आइए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करेंगे। तो आप किस पे जाएंगे? फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे? ओपन पे। और ओपन पे जाने के बाद फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसे आप ओपन कर देंगे। ठीक है जी। चलिए तो आइए एक बार फिर से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ। ये देखिए मैं गया अपने इस पर, ये थोड़ा सा सेटिंग मेरी दूसरी है क्योंकि मैं विंडोज़ 10 चला रहा हूँ और ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट 19 चला रहा हूँ, एमएस वर्ड 19 चला रहा हूँ, है ना, इसलिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है। चलिए तो फिलहाल ये ओपन हो रहा है, दो मल्टीपल विंडोज़ दिख रही हैं, एक मैंने डिलीट कर दी, क्लोज कर दी है। चलिए थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगी, ये ओपन हो गई है। ओके जी, तो चलिए मुझे कहाँ पर जाना है? मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। ओके, ये मैंने क्लिक कर दिया है, बहुत जल्दी मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, ये जी ओके, ये देखिए वर्किंग एट बैकग्राउंड, और ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया डायरेक्टली। ओके, एक मतलब एक डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट इसको बोल सकते हैं, मतलब एक नमूना डॉक्यूमेंट आपको ओपन हो जाएगा। और फिर हम चलते हैं फाइल पे, गए फाइल पे जाने के बाद हम कहाँ पे गए? ओपन पे गए। अब आप देखिए ओपन पे जाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट खोलना है आपको। डॉक्यूमेंट 6 खोलना है आपको, ऐप खोलना है आपको, ये खोलना है आपको, एप्लीकेशन खोलना है जो कल आपने लिखा था आपको, डॉक्यूमेंट 5 चलाना है आपको, डॉक्यूमेंट ये चलाना है, कुछ भी चलाना है आपको, आपको पूछ रहा है कि आप बताइए हमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो रिसेंटली जैसे मान लीजिए मैंने ऐप बनाया है, तो मैंने ऐप पे क्लिक कर दिया, तो आप देखिए ऐप वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो क्या करना पड़ता आपको? आपको जाना पड़ता है ओपन पे। किस पहले जाएंगे? फाइल पे। पहले किस पे जाएंगे? फाइल के बाद किस पे जाएंगे? ओपन पे। ओपन में जाने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट होगा आप उसको क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका और है जिससे आप बिना कुछ करे अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, बिना मेहनत करे ज़्यादा। जैसे आपने देखा सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाया, ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल ओ दबाएंगे, तो वही जो बॉक्स आपका खुल रहा था ऐसा वाला, ये देखिए ये वाला बॉक्स आपका ओपन खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए देखते हैं इसको। चलिए कंट्रोल ओ दबाइए, कंट्रोल के साथ में ओ। ओके, दबाई रही कंट्रोल? ओके यस, तो ये आपने कंट्रोल ओ दबाया और देखिए ध्यान से आपके सामने बॉक्स खुल गया ना पूरा। ये आपके सामने विंडो ओपन हो चुकी है, ये ओपन विंडो है। कौन सी विंडो है? हाँ, तो ये ओपन का बॉक्स आपके सामने पूरा खुल चुका है, बट आपको अभी ओपन आपने देख लिया है, आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब आप क्या करें, बैक एरो दबाइए और आप वापस चले आइए क्योंकि हमने सीख लिया। अब आइए, तो कंट्रोल ओ की भी काम अपन ने सीख लिया। अब बात करते हैं प्रिंटिंग आ डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग आ डॉक्यूमेंट, आपने एप्लीकेशन लिख लिया है, बस आपको प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या कहा गया? क्लिक ऑन प्रिंट बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में प्रिंट बटन पे दबाइए। तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होती है? यहाँ होती है, ये देखिए। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे प्रिंट बटन तो नहीं है, यहाँ पर प्रिंट बटन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में प्रिंट बटन मैंने खुद ही नहीं रखा, मैंने हटा दिया, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने उसको हटा दिया। मतलब क्विक एक्सेस टूल बार आप मैनेज भी कर सकते हो, क्या लाना है क्या नहीं लाना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो मैंने हटा दिया। तो चलिए वहाँ से तो हटा दिया मैंने, मत यहाँ से तो नहीं जाऊँगा। तो दूसरा तरीका क्या है? और या तो आप क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन, क्लिक प्रिंट बटन द डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड। तो आपको करना क्या, देखिए ये देखिए, सबसे पहले फाइल पे जाइए। किस पे जाइए? फाइल पे। फाइल पे जाके देखिए प्रिंट लिखा है, तो ये प्रिंट दबा दीजिए। तो जैसे आप प्रिंट करेंगे तो ये देखिए प्रिंटिंग विजार्ड खुल चुका है, समझ गए? ये प्रिंटिंग पेज है, कौन सा पेज है, और ये आपका डॉक्यूमेंट बन के आ गया कि आपका डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है, आपका डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाई दे। जैसे ही आप यहाँ प्रिंट दबाएंगे और अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो पेज निकल करके बाहर आ जाएगा, उसमें ये लिखा हुआ बाहर आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत?
तो बस आपको इतना सा काम करना है। आपको करना क्या है, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद कहाँ जाना है आपको, प्रिंट में। प्रिंट में जाने के बाद आपको कितने पेजेस निकालने हैं, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है प्रिंट पेज, ये लिख दिया है, और प्रिंट के कितने पेज निकालने, मान लो आपको निकालने हैं इसके 200 पेजेस, कितने पेजेस, तो आपको अगर आपने 200 डाल दिया तो इसके आपके पास 200 पेजेस निकलते ही रहेंगे। जब तक 200 नहीं निकल जाएंगे प्रिंटर से, तब तक प्रिंटर आपको पेज लगातार देता ही, आ गई बात समझ में। तो ये हो गया प्रिंट पेज करना। चलिए वापस चलते हैं, प्रिंटिंग की बात हो चुकी है, अब आता है क्लोजिंग द वर्ड। क्लोजिंग द वर्ड, प्रिंटिंग भी आपने सीख ली, अब आता है क्लोजिंग द वर्ड, कि वर्ड को हम क्लोज कैसे करते हैं। क्लोज करने के लिए आपके पास में सबसे पहले आपको जाना है फाइल टैब पे, किस पे जाना है, और फाइल टैब के सबसे नीचे रहता है एग्जिट बटन, कौन सा बटन, एग्जिट बटन। तो आपको फाइल टैब पे जाना है, ये देखिए फाइल पे गए, और फाइल पे सबसे नीचे देखिए क्लोज ही लिखा है इसमें, एग्जिट क्लोज कुछ भी हो सकता है, क्या लिखा है close. तो जैसे ही आप दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। तो इसको दबा देंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो एक तो तरीका क्लोज करने का ये है, एक तरीका और है इसको क्लोज करने का, और जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो पूछेगा कि क्या आपको सेव करना है या नहीं करना। तो पहले ही मैंने सेव कर दिया है तो अब नहीं पूछेगा, अब डायरेक्टली एग्जिट कर देगा, क्या कर देगा, डायरेक्टली एग्जिट कर लेगा। अच्छा, एग्जिट करने की, बंद करने की क्या है, क्लोज करने की क्या है, क्लोज करने की का नाम है ऑल्ट एफ फोर, क्या नाम है, ऑल्ट एफ फोर, समझ गया ना। और प्रिंट करने की क्या है, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी। तो मैंने प्रिंट करने की आपको नहीं बताई थी, है ना। तो प्रिंटिंग कमांड के लिए आप कहाँ जाते थे, फाइल पे, फाइल के बाद कहाँ पे जाते थे, प्रिंट पे। इतनी मेहनत नहीं करेंगे, सीधे कंट्रोल पी दबाइए, कंट्रोल पी दबाएंगे तो सीधे आप वहीं पर जाएंगे, कंट्रोल दबा के पी दबाइए, कंट्रोल दबा के पी दबाइए। ये देखिए कंट्रोल पी दबाने से डायरेक्टली आप प्रिंटिंग विंडो पे आ चुके हैं, प्रिंट विजार्ड पे आ चुके हैं, आ गई बात समझ में ना। चलिए ये हो गया है, अब आप क्या है, कंट्रोल भी आपने देख लिया, कंट्रोल पी भी देख लिया आपने कि कैसे है। अब आपको एग्जिट करना सीखना, क्या करना सीखना है, एग्जिट करना। तो एग्जिट करने की होती है ऑल्ट एफ फोर, क्या नाम है, तो ऑल्ट ये बैठा है और एफ फोर कहाँ बैठा, ऊपर बैठा हुआ, जब आइए ऑल्ट एफ फोर, ऑल्ट एफ फोर। ये देखिए जैसे ही आपने ऑल्ट एफ फोर दबाया, आपका यहाँ पे बन के आ रहा था ना, वो गायब हो गया है, क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब आपका जो एम एस वर्ड है वो बंद हो गया, ये जो एप्लीकेशन खुली हुई थी ना आपकी, ये क्या हो गई, क्लोज हो गई, समझ में आ गया ना। तो ऑल्ट एफ फोर से आप क्या कर लेते हैं, अपने पेज को बंद कर लेते हैं, आई बात समझ में। तो ये हो गया ऑल्ट एफ फोर, ओके। सो ऑल्ट एफ फोर भी सीख लिया आपने, कंट्रोल पी भी सीख लिया आपने। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, टू ओपन अ न्यू फाइल सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन इन द फाइल टैब। आपने देखा है कि अगर नई फाइल ओपन करनी हो तो क्या करेंगे आप, न्यू ऑप्शन, क्या लेंगे, न्यू ऑप्शन या कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, ओके। टू सेव अ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट एज, सेव एज या सेव, आपको या तो सेव दबाना है या सेव एज, और ये कहाँ पे होता है, फाइल, फाइल टैब पे, किस पे होता है, फाइल टैब पे, ओके। और इसको कंट्रोल एस से भी यूज करते हैं, कंट्रोल एस से भी। कह रहा टू ओपन द सेव्ड फाइल सेलेक्ट ओपन फ्रॉम द फाइल टैब, अगर आपको ओपन करना है तो फाइल टैब में जाकर के क्या ले लीजिए, ओपन ले लीजिए, या एक तरीका और है कंट्रोल ओ। अगला है टू प्रिंट अ फाइल सेलेक्ट प्रिंट फ्रॉम द फाइल टैब, अगर आपको प्रिंट करना है तो क्या ले लीजिए, कंट्रोल पी दबा दीजिए या सेलेक्ट प्रिंट, प्रिंट या कंट्रोल पी या सेलेक्ट कर लीजिए प्रिंट को। टू एग्जिट एम एस वर्ड सेलेक्ट एग्जिट फ्रॉम द फाइल टैब, जो आपका फाइल टैब है, हाँ, और या तो आप ऑल्ट एफ फोर दबा दीजिए, क्या दबा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, कल तीन कर लिए थे हमने। अगला क्वेश्चन है टू ओपन अ सेव्ड फाइल सेलेक्ट, हाँ बताइए क्या सेलेक्ट करेंगे आप, फाइल टैब से क्या सेलेक्ट करेंगे, ओपन क्लोज या एग्जिट, फाइल को ओपन करना, अरे कहाँ जा रहे हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट 19, ये क्वेश्चन की मैं बात कर, हाँ गलत बात, बिल्कुल गलत। फाइल, किसी सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए आपको ओपन सेलेक्ट करना पड़ेगा, एग्जिट नहीं, एग्जिट नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, एग्जिट तो कहीं होता नहीं है, क्लोज होता है, और क्लोज किसके लिए होता है, फाइल को क्लोज करने के लिए। और बट यहां पे किसके लिए बोल रहा है, टू ओपन, ओपन करने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, ओपन, ओपन सेलेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट 2010 विंडोज लुक्स लाइक द पेंट विंडो, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2010 विंडो है वो पेंट विंडो के जैसे दिखती है, बोलिए यस कि नो, यस, बिल्कुल सही बात है, ये पेंट विंडो के जैसे ही दिखती है। एम एस वर्ड गिव्स डॉक्यूमेंट वन एज परमानेंट फाइल नेम, एम एस वर्ड गिव्स डॉक्यूमेंट वन एज
परमानेंट फाइल नेम। जो एमएस वर्ड होता है वो डॉक्यूमेंट वन देता है एज परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए। तो सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है, वो तो परमानेंट वन टेम्परेरी दे देता है, हमेशा के लिए सेलेक्ट करना हमारा काम है। द रिबन कंटेन मल्टीपल टैब, रिबन के अंदर बहुत सारे टैब होते हैं। Yes. बिल्कुल सही बात है, रिबन के अंदर जो होते हैं मल्टीपल टैब्स होते हैं। एक्चुअली मैं चाहूँगा कि रिबन के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, टैब्स नहीं होते हैं। रिबन के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फॉल्स होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं रिबन की डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। रिबन का लिखा है रिबन, यस ये तो हो गया। थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा रिबन के बारे में देखने के लिए। रिबन कंटेंस ग्रुप होता था मेरे ख्याल से, है ना? ओके यस, ओके ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। हाँ तो ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे टैब होते हैं और काफ़ी सारे ग्रुप, तो इसको ट्रू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्रू। तो मतलब ग्रुप्स भी सही है और टैब्स भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों के लिए सही है। तो रिबन कंटेन मैक्सिमम टैब्स, ट्रू। अगला है, स्टेटस बार इज द बार एट द बॉटम ऑफ एम एस वर्ड विंडो। स्टेटस बार नीचे होती, बिल्कुल सही बात है। स्टेटस बार कहाँ होती थी? नीचे होती थी, लेफ्ट साइड में। टाइटल बार कहाँ होती थी? ऊपर। तो भैया ये बिल्कुल ट्रू है, ये भी क्या है? ट्रू है। आई बात समझ में ना? चलिए, आपका होमवर्क है क्या? राइट एनी वन यूज ऑफ एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। नेम एनी थ्री पार्ट ऑफ द एम एस वर्ड विंडो। एम एस वर्ड विंडो के तीन पार्ट भाई साहब, टाइटल बार, ओके, स्क्रोल, ओके स्क्रोल बार, और कौन सा है? और कौन सी बार है? टाइटल बार हो गई, स्क्रोल बार हो गई है, और कौन सा नीचे के नीम रूलर भी होता है, और क्या होता है इधर पे जो आता है? स्टेटस बार। चलिए ओके, लॉन्ग आंसर। हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू फाइल ऑन एम एस वर्ड? आप एम एस वर्ड में एक फाइल नई क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? एम एस वर्ड पे जाएंगे, फिर इसके बाद एम एस वर्ड पे न्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, गो ऑन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे जाके न्यू सेलेक्ट करेंगे। न्यू सेलेक्ट करने के बाद फिर अपना डॉक्यूमेंट चलने लगेगा। व्हाट, राइट द स्टेप टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट। एक सेव डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद क्या दबाएंगे? ओपन दबाएंगे। ओपन दबाने के बाद सेलेक्ट करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। हाउ विल यू सेव अ फाइल इन एम एस वर्ड? या तो फाइल पे जाएंगे, या तो सेव दबाएंगे, या सेव एज दबाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब बताना है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। टू सेव अ डॉक्यूमेंट क्या होता है? कंट्रोल एस। टू ओपन अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल ओ, ओ फॉर ओपन। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल, वेरी गुड, कंट्रोल पी। टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड ऑल्ट एफ, ओके ऑल्ट एफ फोर था, ओके। टू क्रिएट अ न्यू फाइल कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, एन फॉर न्यू। आई बात समझ में ना? अगला, नेम द फॉलोइंग एम एस वर्ड कंपोनेंट। इट डिस्प्लेस द नेम एंड प्रोग्राम ऑफ द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये आपका नाम दिखाता है और प्रोग्राम बताता है कौन सा। हाँ तो बताइए कि इसमें आपका जो होता है प्रोग्राम आता है टाइटल बार, कौन सा है ये? सॉरी, टाइटल बार में तो नेम आता है ना, और कौन सी बार होती है भाई टाइटल बार के ऊपर? ओके, प्रोग्राम का नाम और वो दिखाता है ना, ओके स्क्रोल बार, ना ना स्क्रोल बार नहीं है ये। चलिए बता देते हैं, देखिए सबसे पहले, हाँ तो सबसे ऊपर होती है टाइटल बार, और टाइटल बार के नीचे होती है क्विक एक्सेस। हाँ तो डॉक्यूमेंट का नाम और टाइप किस में आता है? टाइटल बार में, करेक्ट आंसर, ठीक है ना, किस में आता है? टाइटल बार में, यस। तो इसमें पूछा गया है कि जो नाम होता है वो कहाँ पे आता है, ओके इसमें पूछा गया है। इट डिस्प्लेस द नेम एंड प्रोग्राम, आंसर क्या है? टाइटल बार। इट शोज डॉक्यूमेंट नेम इन इट, तो डॉक्यूमेंट का नाम किस में आता है? टाइटल बार में ही आता है। इट कंटेन्स कॉमनली यूज बटन लाइक सेव, अंडू, रीडू एटसेट्रा। ये कंटेन करता है भाई ऊपर पे जो लेफ्ट में होती है ना रिबन, यस बिल्कुल सही, रिबन, ना ना रिबन नहीं, ऊपर में, ऊपर इधर जो होती है क्या बोलते हैं उसको? क्विक एक्सेस टूल बार, बिल्कुल सही बात है, क्विक एक्सेस बार। कौन सी बार? क्विक एक्सेस बार। इट शो द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। कौन देता बताइए? बॉटम पे कौन सी होती है यहाँ पे? क्या नाम होता है इसका? बॉटम पे जो हुआ करती है स्टेटस बार, क्या होता है? स्टेटस बार, ओके, जो जानकारी देती है कि कौन सा पेज है, कौन सा क्या है, ओके।
चलिए, तो ये आपका लेबोरेटरी का काम है, मैंने आपको सिखा दिया। क्या कह रहा है, डू द फॉलोइंग इन एमएस वर्ड में आपको ये काम करना है। एक एमएस वर्ड ओपन करिए, कर लेंगे। मेक द नोट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट, आपको नोट बनाना है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद आपको क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है। चलिए, इसके बाद है टाइप अ लेटर टू टेलिंग हिम यू अबाउट एनुअल डे। आप इसमें एक लेटर लिख लें अपने डैडी को, जिसमें आप एनुअल डे के बारे में बता रहे हैं कि डैडी ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद सेव करिए लेटर को, लेटर को क्या कर दीजिए, और उसके बाद आप जो है एग्जिट कर दीजिए एमएस वर्ड को। नेक्स्ट है टाइप अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ओके, एंड सेव इट एज बंगाल टाइगर। कुछ सेंटेंस लिखिए नेशनल एनिमल ऑन इंडिया पे, और इस फाइल को किसके नाम से सेव कीजिए, बंगाल टाइगर के नाम से, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा वर्क है, ये आपको लैब में ये काम आपको करना है, ठीक है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, आप इसको जाके लैब में करिएगा, ओके। चलिए, अब इसके बाद आपका पीरियोडिक असेसमेंट टू, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ा है ना। तो चैप्टर 3 और 4 में हम पीरियोडिक असेसमेंट करेंगे, ये आपका टेस्ट है। और इसके बाद है आपकी टेस्ट सीट वन, मतलब जो चैप्टर नंबर 4, 1, 2, 3, 4 है, वो उसका पूरा का पूरा टेस्ट इसमें होगा, हम पूछेंगे। आई बस समझ में ना, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाया चैप्टर नंबर 1 पे, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर मैंने एक कोई चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ओके, वो भी मैंने आपको पढ़ाया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो गया। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चारों टेस्ट का मिलाकर के ये आपके पास टेस्ट है, विंडोज 7, ओके। और इसके आंसर्स आप दीजिएगा, बड़े मज़ेदार है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में रेडी रहेंगे, हमारा चैप्टर होगा फन विद पेंट, मतलब मज़े करेंगे पेंट के साथ। तो इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट का सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे। ये देखिए पेंट का सॉफ्टवेयर है, बड़ा ही मज़ेदार है। बहुत सारे बच्चे तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में बड़े आराम से जानते हैं, क्योंकि सब लोग इसका यूज़ करते हैं, सब लोग इसमें ड्राइंग बनाते हैं, मज़ेदार इसमें ड्राइंग होती है। जैसा आप चाहें उसको मोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।